वेलकम टू मूवीज इन जस्ट। आज हम देखेंगे मूवी कैप्टन फिलिप्स। ये मूवी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के जिंदगी पे आधारित है, कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से सामना करके अपने जहाज और अपने लोगों की जान बचाई। मूवी के शुरुआत में हम सोमालिया का एक बीच देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग गन्स के साथ आते हैं। एक्चुअल में ये सब पायरेट्स होते हैं, यानी कि समुद्री लुटेरे। बीच पर रहने वाले लोग भी उनके साथ जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गरीबी होती है। फिर वो सारे बोट समंदर में निकल पड़ती है। वो लुटेरे समंदर में शिप्स की लोकेशन देखते हैं, लेकिन सारे शिप्स एक दूसरे के नजदीक चल रहे थे, इसलिए उनपे हमला करना और लूटना नामुमकिन था। अभी उन्हें एक शिप दिखती है जो बाकी सारे शिप से बहुत दूर होती है। एक्चुअल में ये शिप मुंबासा जा रही होती है और उन लुटेरों ने इस शिप के कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसलिए उस शिप से होने वाली हर एक बात वो सुन सकते थे। फिर दूसरी तरफ हम उस शिप को देखते हैं। ये शिप काफी बड़ी होती है और ये एक कार्गो शिप होती है। इस शिप के कैप्टन का नाम रिचर्ड फिलिप्स होता है। रिचर्ड जानते थे कि जिस रूट से उनका शिप जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और वो जगह समुद्री लुटेरों से भरी थी। रिचर्ड जब समुंदर की ओर बाइनोकुलर से देखता है तो उसे अपने शिप की तरफ कोई बोट तेजी से आती हुई दिखती है, लेकिन उस वक्त वो बोट काफी दूर होती है। पर जब वो रेडार में देखता है तो वो समझ जाता है कि कोई बोट उनका पीछा कर रही है। फिर वो अपने क्रू मेंबर्स से शिप को 5 डिग्री लेफ्ट में मोड़ने के लिए कहता है, और जब शिप लेफ्ट मुड़ती है तो जो बोट इनका पीछा कर रही होती है वो भी इनके पीछे लेफ्ट जाती है। और तभी कैप्टन रिचर्ड समझ जाते हैं कि पायरेट्स इन्हें लूटने के लिए आ रहे हैं। इस बात की इन्फॉर्मेशन वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, जो कि दुबई में है, उन्हें देते हैं। और उन्हें कॉल करने पे वहाँ लेडी ऑपरेटर कहती है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो। हो सकता है कि वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि वो मछुआरे नहीं है और कॉल काट देता है। वो वापस से बाइनोकुलर से उन्हीं बोट्स को देखता है और वो अब सिर्फ 1 मील की दूरी पर होते हैं। और उसे ये भी दिखता है कि उन बोट्स पर जितने भी आदमी हैं, उन सबके पास गन्स है। वो रेडियो उठा के वापस यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाता। फिर कैप्टन फिलिप्स अपनी चालाकी यूज करते हैं। वो रेडियो पे कहते हैं कि हमारे पीछे कुछ बोट्स आ रही है और उनमें हथियारों से लैस लुटेरे हैं। एक्चुअल में कैप्टन फिलिप्स जानते थे कि वो लुटेरे इनकी बात सुन रहे हैं। और फिर कैप्टन फिलिप्स खुद ही अपनी आवाज़ बदल के कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक नेवी का एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर दोनों बोट में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। और उन्हीं के पीछे एक बड़ी बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है और वो भी डर कर पीछा करना बंद कर देता है। लेकिन अभी भी एक बोट जिसमें 4 लुटेरे होते हैं वो लगातार शिप का पीछा कर रही होती है। कैप्टन फिलिप्स अपने ऑफिसर से कहता है कि उन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप को राइट लेफ्ट मोड़ता है जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती है, और लहरों की वजह से उस छोटी बोट का इंजन पे लोड आता है और इस वजह से उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और कैप्टन फिलिप्स की शिप इनसे बहुत दूर निकल जाती है। रात को शिप के सारे क्रू मेंबर्स की मीटिंग होती है और उसमें वो डिस्कशन करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे जैसे आज हमने उन्हें रोका था। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अभी हम अफ्रीका के जिस इलाके में हैं, यहाँ पर लुटेरों के 5 अलग-अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पे लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन यानी कि मुंबासा की ओर ही जाना चाहिए। और ये उसी तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर अगली सुबह वापस से वो लुटेरे उनकी शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देख के कैप्टन फिलिप्स वापस से यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को कॉन्टैक्ट करता है और इस बार उनका कॉल कनेक्ट हो जाता है। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि कुछ समुद्री लुटेरे हमारा शिप पर हमला करने वाले हैं। फिर कैप्टन फिलिप्स शिप के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप्स होते हैं वो चालू करवा देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से उन लुटेरों की बोट इनके शिप तक ना पहुंच पाए।
वो लोग इन पर हमला भी करते हैं, लेकिन उस हमले से ये लोग बच जाते हैं और आखिर में वो चारों लुटेरे इनके शिप पर चढ़ जाते हैं। कैप्टन फिलिप समझ जाते हैं कि उनकी शिप अब लुटेरों के कब्जे में है, इसलिए वो स्पीकर पे अनाउंस करते हैं कि सबके सब नीचे इंजन रूम में छुप जाएं और जब तक मैं बाहर निकलने का पासवर्ड ना बोलूं तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अब वो चारों लुटेरे शिप के व्हील हाउस यानी के कंट्रोल सेंटर में पहुंच जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके दो साथियों को बंदी बना लेते हैं। उनका जो लीडर होता है उसका नाम मूसा होता है। वो कैप्टन फिलिप्स से कहता है कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स उन्हें बताते हैं कि इस पूरे शिप में सिर्फ खाने पीने और दवाई का सामान है और हमारे पास सिर्फ $30,000 है, तुम चाहो तो उसे लेकर जा सकते हो। मूसा कहता है कि हम कोई भिखारी नहीं है, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर व्हील हाउस में बुलाओ। फिर कैप्टन फिलिप्स स्पीकर से अनाउंसमेंट करते हैं कि सबके सब ऊपर आ जाओ, लेकिन तब वो पासवर्ड नहीं बोलते इसलिए कोई भी ऊपर नहीं आता। शिप के क्रू मेंबर्स शिप को भी इंजन रूम से बंद कर देते हैं। शिप बंद होते ही मूसा कहता है कि ये बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं तुमसे बचने के लिए हमने इसे बहुत स्पीड से चलाया था, इसलिए इंजन पे लोड आया होगा। फिर मूसा कहता है कि वो नीचे जाके चेक करना चाहता है। इस पे कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट्स ऑन है, हमें ध्यान रखना होगा कि वो लाइट्स बंद ना हो जाए, नहीं तो नीचे हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये बोलते समय उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं, इसलिए नीचे इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सबके सब इस बात को सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट्स बंद करनी होगी। फिर उनमें से एक आदमी इमरजेंसी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए जाता है और दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, मूसा और उसका एक आदमी ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। लेकिन तभी मूसा पैसेज में लगे हुए शिप के ब्लूप्रिंट को देख लेता है और वो समझ जाता है कि इंजन रूम तक कैसे जाना है और वो फिलिप्स से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में ही जाना है। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि ठीक है, मगर सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है और इंजन रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। अब वो तीनों पानी लेने जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही वो आदमी होता है जो पानी लेने के लिए गया होता है। फिलिप्स उसे देख लेता है और फिर जब मूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है तो फिलिप्स उसे कहता है कि तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, तुम्हें चोट लग सकती है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस शिप के क्रू मेंबर ने फिलिप्स की बातें सुनी होती है कि लुटेरों ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, इसलिए वो वॉकी टॉकी से नीचे छुपे हुए अपने साथियों को बता देता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना है, इसलिए तुम दरवाजे पे कांच बिखेर देना ताकि वो जख्मी हो जाए। और जब फिलिप्स, मूसा और वो आदमी उस तरफ जाते हैं तो मूसा के आदमी के पैर में कांच चुभ जाता है जिससे उसके पैर से खून आने लगता है। वो तीनों इंजन रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ की लाइट जा चुकी होती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर बंद कर दिया था। मूसा लाइट्स बंद होने की वजह से गुस्सा होता है और फिलिप्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिलिप्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मूसा के आदमी को काफी चोट आ चुकी होती है, इसलिए वो फिलिप्स से कहता है कि तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। फिलिप्स और मूसा का साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ मूसा फिलिप्स के आदमियों को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन इंजन रूम में छुपे शिप के क्रू मेंबर्स मूसा को बंदी बना लेते हैं। और तभी इंजन रूम से क्रू मेंबर रेडियो पे कहते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो वो जिंदा रहे तो कैप्टन फिलिप्स और बाकी के लोगों को छोड़ देना होगा। कैप्टन फिलिप्स रेडियो पे मूसा से बात करते हैं, हम तुम्हें लाइफ बोट दे सकते हैं और साथ ही में शिप पे जो $30,000 है वो भी तुम ले जा सकते हो, और ये डील मूसा मान लेता है। फिर कैप्टन फिलिप्स लॉकर में से $30,000 निकालते हैं और साथ ही में वो जो तीन लुटेरे थे उनमें से एक को लाइफ बोट को कैसे ऑपरेट करना है वो भी बताते हैं। मूसा को छोड़ दिया जाता है और मूसा लाइफ बोट के अंदर आ जाता है। तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो आदमी फिलिप पर हमला करके लाइफ बोट का दरवाज़ा बंद कर देता है और लाइफ बोट को समुंदर में उतार देते हैं।
इस तरह से वो लोग कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो जो बड़ा कार्गो शिप होता है वो लगातार उस छोटी लाइफ बोट को फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ यूएस नेवी को भी ये बात पता चल जाती है और वो जल्दी अपने ड्रोन्स यहाँ भेज देते हैं जिनमें कैमराज लगे हुए होते हैं। कुछ देर बाद यूएस नेवी की एक शिप वहाँ पहुँचती है और वो उन लुटेरों से कॉन्टैक्ट करते हैं और इससे वो काफ़ी डर जाते हैं। यूएस नेवी के कमांडर कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देने के लिए कहता है। लुटेरे कहते हैं कि हम कैप्टन फिलिप्स को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें $10 million दोगे। फिर कमांडर मूसा से कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने के लिए आना चाहते हैं। और इसके लिए मूसा मान जाता है। कुछ समय के बाद यूएस नेवी के दो छोटी बोट उन तक पहुँच जाती है। वो कहते हैं कि हम कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। फिर वो कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर आते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं कि क्या मेरे परिवार को पता है कि मैं कहां पर हूँ। यूएस नेवी कहती है कि जी हाँ, हम उन्हें हर पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि मेरे परिवार को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट में सीट नंबर 15 पे हूँ। एक्चुअल में ये यूएस नेवी के लिए एक इंडिकेशन होता है कि वो लाइफ बोट के अंदर सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और बहुत जल्द ही ये सोमालिया पहुंचने वाले थे। कैप्टन फिलिप्स मूसा से कहते हैं कि उसे टॉयलेट जाना है। वो उसे परमिशन दे देते हैं और फिर टॉयलेट करते समय कैप्टन फिलिप्स उसके साथ वाले लुटेरों को पानी में धकेल देते हैं और वो खुद भी पानी में दूसरी साइड कूद जाते हैं। वो जल्दी से यूएस नेवी के शिप की तरफ तैरने लगते हैं और इसके पहले कि यूएस नेवी कोई एक्शन ले पाती, मूसा लाइफ बोट लेकर उस तक पहुंच जाता है और वो कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद यूएस नेवी की शिप उस लाइफ बोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें बताया जाता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हें सोमालिया नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए मूसा गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप्स को बाहर ले जाता है और रेडियो पर कहता है कि अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो कैप्टन को मार डालूंगा। तभी वहां से दूसरा ऑफिसर कहता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और साथ ही वो उन चारों के नाम और आईडी भी बताता है। वो ये भी बताता है कि हम तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार है, मगर उसके लिए तुम में से किसी एक को हमारे यहाँ आना होगा। और मूसा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ यूएस नेवी के दो बोट्स आ जाती है और वो उन लुटेरों की बोट को एक रस्सी से बांध देते हैं और बड़ी चालाकी से वो उनकी बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि अंदर जो भी बातें हो रही है वो सुन सके। यूएस नेवी कैप्टन फिलिप्स को एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने जगह पर वापस बैठ जाना और मूसा को अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उस लाइफ बोट पे बड़ी बड़ी लाइट्स पॉइंट की जाती है जिसके वजह से उन्हें आगे का कुछ भी नहीं दिखता और यूएस नेवी के शिप पे जो स्नाइपर्स होते हैं वो उन्हें निशाने में लेने की कोशिश करते हैं, पर सबके सब तभी निशाने पर नहीं आते और वो धीरे धीरे उस लाइफ बोट को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं ताकि स्नाइपर्स को निशाना लगाने में आसानी हो और उन लुटेरों को इस बात की भनक तक नहीं लगती। यहाँ बोट में कैप्टन फिलिप्स डरे हुए थे क्योंकि टेंशन बहुत ही बढ़ चुका होता है। वो अपने परिवार को लेटर लिखते हैं, तभी एक लुटेरा देख लेता है और उनके बीच हाथापाई शुरू होती है और वो कैप्टन फिलिप्स के हाथ बांध देते हैं, साथ ही में आंखों पर भी पट्टी बांध देते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन स्नाइपर्स के निशानों पे सिर्फ दो ही लुटेरे होते हैं। फिर वो उस लाइफ बोट को खींचना बंद कर देते हैं। इससे उस लाइफ बोट को एक झटका लगता है जिससे तीनों के तीनों लुटेरे स्नाइपर्स के निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर्स एक ही समय पे तीनों को एक साथ शूट कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को बचा लिया जाता है। मूसा को 33 साल की सजा दी जाती है और आज भी वो जेल में ही है और यही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।